हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिंदास चैनल ऑफ दिस बंदा बिंदास, जहाँ पे ये बंदा बिंदास आपसे करेगा कुछ बिंदास बातें। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना वीकेंड जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए मिले हैं वो टॉपिक थोड़ा सा सोशल इशू पे बेस्ड है और थोड़ा सा सीरियस हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जो है फ़ीमेल्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं जो है ये टॉपिक जो है बिना बायस हुए, किसी भी जेंडर को फेवर किए बिना और किसी भी जेंडर को डिमीन किए बिना या उनके इंटेंशंस को क्वेश्चंस किए बिना मैं ये टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपने सोशल मीडिया पे कई बार ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे जो है जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है। बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो फेमिनिज़म के लिए सपोर्ट करते हैं और जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे एक्शंस लेते हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट दोस थॉट्स एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे ये चीज़ बोली जाती है कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, दैट डजेंट मीन कि आप जो है मेल जो सोसाइटी है उसको जो है आप डिग्रेड करें। अपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे कई बार ऐसे वीडियोस आते हैं जो थोड़े कॉमिक सेंस में बनाए जाते हैं, जहाँ पे दिखाया जाता है कि एक बस है, बस में बहुत सारे पैसेंजर, एक पर्सन है और एक लेडी है, दोनों ट्रैवल कर रहे हैं और बस जो है सडन ब्रेक मारती है। तो सडन ब्रेक मारने की वजह से जो मेल जो पर्सन है उसका जो है थोड़ा सा धक्का जो है फीमेल को लग जाता है, एंड जो फीमेल जो है उसको लगता है कि ये उसको छेड़ रहा है एंड वो उसको स्लैप कर देती है। तो पब्लिक जो है आसपास की वो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस नहीं करती, ये वो नहीं करती। अब सेम यही सिचुएशन जब रिवर्स होती है, जब दोनों ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें जो है सडन ब्रेक लगता है और वो जो फीमेल की तरफ से झटका लगता है, फीमेल की तरफ से जो है मेल को जो है वो धक्का लगता है। अब इस केस में अगर मेल जो है वो फीमेल को थप्पड़ मार दें, जो फर्स्ट केस में फ़ीमेल ने मारा था, अगर मेल जो है इस केस में फ़ीमेल को थप्पड़ मार दें, तो क्या आप इसे जेंडर इक्वालिटी कहेंगे या फिर आप जो है इसको अपोज करेंगे कि लड़की को थप्पड़ कैसे मारा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे बताइएगा कमेंट में। लेकिन जब हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, तो वुमेन एम्पावरमेंट या फेमिनिज़म होना चाहिए सोसाइटी में, लेकिन वो होना चाहिए कि वुमेंस को जो है जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जहाँ पे उनको सप्रेस किया जा रहा है वहाँ पे वो चीज़ें ना होने की जगह उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको सोसाइटी में प्रॉपर जो है रिकग्निशन मिले और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले करियर में, फैमिली में, हर जगह जहाँ पे वो डिज़र्व करते हैं। जेंडर इक्वालिटी जो है वो मतलब होता है कि आप मेल और फीमेल जेंडर दोनों को जो है इक्वल क्राइटेरिया में उनको जो है जज कर रहे हैं या फिर उनको जो है इक्वल क्राइटेरिया में या इक्वल स्टेटस पे रख रहे हैं। तो आपने एक टर्म सुना होगा जिसे कहते हैं मिसोजिनिस्ट। ओके, सो बहुत बार फेमिनिज्म से रिलेटेड ये टर्म आपने सुना होगा, जहाँ पे जो फीमेल्स हैं या फेमिनिज्म सपोर्टिंग पीपल हैं वो जो है जो मेल्स के लिए ये टर्म यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। सो मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है समवन हु इज़ हैविंग हेट्रेड फॉर वुमन। ओके, मतलब जो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिनमें औरतों के प्रति जो है एक नफ़रत का भाव होता है। सो कई बार ये जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि हर मेल या फिर हर फीमेल जो है सेम थॉट्स नहीं रखते हैं। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि मैं जो है बिना बायस हुए किसी भी जेंडर के ऊपर पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ जो है इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ जिस टॉपिक के बारे में नॉर्मली कोई बात नहीं करता है। तो जैसा कि मिसोजिनिस्ट एक वर्ड है जहाँ पे बोला जाता है कि उसका मतलब होता है कि हेट्रेड फॉर वुमन, वैसे ही आपने एक वर्ड नहीं सुना होगा जिसको कहते हैं मिसैंड्री। मिसैंड्री का मतलब होता है हेट्रेड फॉर मैन, और ये नॉर्मली जो है फीमेल्स में होता है। मान लीजिए कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे किसी का ब्रेकअप हुआ, किसी फीमेल को चीट किया गया उसके बॉयफ्रेंड ने या उसके हस्बैंड ने, तो उनके मन में कभी कभी ऐसे फीलिंग्स आ जाते हैं कि वो हर मैन को, हर आदमी को उसी नज़रिए से देखने लग जाता है और उनके लिए वो हेट्रेड उनके मन में आ जाता है कि वो हर आदमी से नफरत करने लग जाते हैं। सो उसे बोलते हैं मिसहैंडरी। अब जो ये टॉपिक है मिसहैंडरी, ये इसके कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। मुझसे किसी ने एक इंसिडेंट रिसेंटली शेयर किया, जो इंसिडेंट शेयर करने के बाद मैं उनसे उस इंसिडेंट के बारे में सोचता रह गया, तो इसीलिए मैं आज इस टॉपिक के बारे में बात करने आया हूँ आपसे, और मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। मोस्टली मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस टॉपिक के बारे में, जो इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, उस इंसिडेंट के बारे में मैं सोच तो बहुत रहा हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहा, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं आपसे वो स्टोरी शेयर करूँगा, वो इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करूँगा एज ए स्टोरी, और आप मुझे बताइएगा कि आपके क्या थॉट्स हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं जो एज ए स्टोरी मैं यहाँ पे आपसे एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी पर्सन का नेम और जो भी है वो रियल नहीं है, सो प्लीज़ डोंट जज इट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी। जस्ट वांटेड टू शेयर द इंसिडेंट्स विद यू। ओके, ये स्टोरी है एक बंदे की, लेट्स नेम हिम अमन। ओके, सो अमन जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता है, और बहुत ही हंसमुख बंदा है, सबसे हंस मिल के रहता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, सबसे डिग्निफाइड तरीके से बिहेव करता है, एंड ही इज़ हैविंग ए गुड रेपो इन द सोसाइटी। ठीक है, अभी उसके कुछ कलीग्स हैं उस ऑफिस में, जो जिनके साथ उठना बैठना है, ब्रेकफास्ट पे जाना है, लंच पे जाना है, सब। एक दिन अमन जो है वो ऑफिस जाता है, और ऑफिस में उसकी एक कलीग हैं, लेट नेम द कलीग एज प्रिया। ओके, सो वो ऑफिस जाता है और प्रिया भी ऑफिस आती हैं, तो अमन जो है प्रिया को गुड मॉर्निंग विश करता है, लेकिन प्रिया की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। तो अमन फिर जो है थोड़ी देर बाद प्रिया की डेस्क पे जाके प्रिया को गुड मॉर्निंग विश करता है, तो वो देखता है कि प्रिया जो है वो थोड़े से अपसेट दिख रहे हैं, और थोड़े से रुआसे हैं, उनकी आंखों में थोड़ा सा आंसू है। तो अमन जस्ट नॉर्मली उनसे पूछता है कि इज़ एवरीथिंग ओके। सो वो प्रिया जो है वो उनको बताती है कि कुछ पर्सनल इशू है जिस वजह से वो अपसेट हैं। तो अमन भी मतलब उनको फोर्स नहीं करता किसी कन्वर्सेशन के लिए, एंड जस्ट उनको बोलता है कि ठीक है, आप अपना माइंड डाइवर्ट कर लीजिए, क्योंकि वो समझता है कि पर्सनल इशू है, तो ऑब्वियसली वो कोई भी कन्वर्सेशन फोर्स नहीं करना चाहता, एंड इसलिए वो बिना बॉदर किए अपने डेस्क पे चला जाता है और अपने काम में, ऑफिस के काम में लग जाता है। और दिन में जो एक दो बार जो इंटरेक्शन होता है, तो उसमें ही जस्ट आस्क इफ़ शी इज़ ओके और नॉट, तो बस इतना उनका इंटरेक्शन होता है, और ऐसे जो है वो पूरा दिन निकल जाता है। तो फिर अगले दिन जो है अमन जो है फिर ऑफिस जाता है। कुछ टाइम बाद जब प्रिया ऑफिस आती हैं, तो वो अमन को अप्रोच करती हैं, एंड वो ऐसे ही कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि वो प्रिया जो है वो कल जो है अपसेट थी, तो इसलिए वो अगले दिन भी जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, एंड अपनी तरफ से ऐसा कोई कन्वर्सेशन जो है इनिशिएट नहीं करता। तो बातों में फिर प्रिया जो है वो अमन से पूछते हैं कि कल जो है उनका जो मूड ख़राब था, और उनको ये फील हुआ कि अमन जो है वो उनके लिए कुछ ज़्यादा ही कंसर्न हो रहा था, ओवर कंसर्न हो रहा था, और ये उनको ऐसा फील हुआ क्योंकि वो ओवर कंसर्न हो रहा था, और इस वजह से उनको डाउट है कि क्या अमन की कुछ और इंटेंशन है, या क्या अमन का कुछ अलग इंटरेस्ट है। तो ये सुन के वो उसको बहुत शॉक जैसा लगा, एंड ही वाज लाइक कि ऐसा कोई कैसेस हो सकता है कि नॉर्मल एक ज़रा सा कंसर्न पूछने में कि आप ठीक हो कि नहीं हो, एंड थोड़ा सा जो आई थिंक वो किसी के लिए भी करता हुआ, अगर कलीग होता या कोई अननोन भी होता तो भी वो शायद वैसा करता, लेकिन जब जिनके साथ आपका उठना बैठना है और जब वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, तो वो शॉक हो जाता है, एंड उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा प्रिया को क्यों लगा, या किस बात से ऐसा लगा, जबकि उसने तो नॉर्मली एक कंसर्न पूछा था कि इज शी ओके और नॉट, लेकिन वो थोड़ा सा ये उनकी प्रिया की तरफ से ये जब क्वेश्चन आता है, तो वो ये सुन के अमन जो है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। उसके लिए बहुत ऑकवर्ड हो गया कि उसको समझ में नहीं आया कि कहीं उसकी तरफ से तो ऐसा कुछ गलत बॉडी गेस्चर या ऐसा कुछ बॉडी लैंग्वेज में तो उसका ऐसे कुछ इंटेंशन नहीं दिखा कि इनको लग रहा हो कि वो इंटरेस्टेड है, ऑल्दो ही इज़ नॉट। सो उसने क्लियर किया कि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। नहीं, ही सेड कि अगर आपको ऐसा कोई इंटेंशन या को ऑकवर्ड लग रहा है तो वो जो है डिस्टेंस मेंटेन करके रखे। एंड क्योंकि उनका उठना बैठना था आसपास, इसलिए उसने जस्ट एक कंसर्न के लिए पूछा कि शी ओके और नॉट, जो कि वो आई थिंक वो हर किसी के लिए करता। अगर उनकी जगह कोई मेल कलीग भी होता या इवन कोई अननोन पर्सन भी होता तो आई थिंक उसका जो एक अप्रोच है वो यही रहता कि आप किसी को भी ऐसा अपसेट देखते हैं या आप किसी को देखते हैं कि कोई सामने बैठा है और वो कोई अगर रो रहा है तो नॉर्मली एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि आप जाके उससे पूछते हैं कि भाई तू ठीक है कि नहीं, या इज़ एवरीथिंग ओके और नॉट। अब वो चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, बट ह्यूमन अप्रोच यही होता है। तो उस दिन भी उसने वही किया था, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा प्रिया की तरफ से आएगा ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था और इस वजह से वो थोड़ा सा शॉक में था। लेकिन उसने पूरी बात क्लियर की और उसने ये कन्विंस किया कि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है उसकी तरफ से, और जो है अगर ऐसा उनको लगता है कि ऐसा कुछ बॉडी लैंग्वेज में या ऐसा कुछ गलती से ऐसा उनको लगा हो तो वो प्रॉपर ध्यान रखेगा और वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा। तो ये कन्वर्सेशन ऐसा एंड हो जाता है। अब पूरा दिन जो है अमन जो है वो उस बारे में सोचता है, उसको कहीं लगता है कि कहीं गलती से भी ऐसा कोई बॉडी लैंग्वेज में या कुछ बोलने में हंसी मजाक में ऐसा कुछ इंटेंशन तो नहीं गलत दिखा। तो वो थोड़ा सा मतलब पूरा दिन वो यही सोचता रहता है एंड इस वजह से उसका काम में जो है वो मन नहीं लगता। अगले दिन जब अमन जो है ऑफिस आता है तो वो नोटिस करता है कि उसके जो बाकी कलीग्स हैं जो जिनके साथ वो ब्रेकफास्ट पे जाता था या जिनके साथ वो लंच पे जाता था वो लोग भी उसको कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं। इवन जो बाकी जो फीमेल कलीग्स हैं जिनके साथ उसका उठना बैठना था या जो लंच पे जाते थे या हाय हेलो भी होता था वो सब उसको इग्नोर कर रहे हैं। एंड ही वॉज लाइक कि ऐसा अचानक से क्या हो गया। तब उसको कहीं स्ट्राइक हुआ कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो बात जो उसके और प्रिया के बीच में थी ये बात को एज ए गॉसिप जो है उन्होंने अपने कलीग्स को बाकी कलीग्स को बता दिया और उस वजह से वो लोग जो है उसको कोल्ड वाइब दे रहे हैं या फिर उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो वो बहुत ही परेशान हो गया ये बात सोच के और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे या किससे बात करे। लेकिन क्योंकि उसको पता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है एंड उसका कुछ इंटेंशन गलत नहीं था एंड ही ऑल्सो रिस्पेक्ट प्रिया, तो इसलिए उसने वो बात अपने मन में रखी और किसी से नहीं कहा। लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि उसका जो है कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है और जो है उसके इंटेंशंस को सिर्फ उसकी जो एक कंसर्न था कि शी ओके और नॉट, उस चीज़ को बहुत ही गलत वे में इंटरप्रेट किया गया है और उस चीज़ को बहुत गलत तरीके से लिया गया है और शायद दूसरों को भी कन्वे किया गया है। और उसको समझ में नहीं आया कि ऐसा उससे क्या हो गया, क्योंकि वो हमेशा जो है फीमेल्स कलीग से या फ्रेंड से या जो भी हैं उनसे डिस्टेंस और डिग्निटी मेंटेन करके रख। तो यहाँ पे उसको फील होने लग गया कि शायद उसका जो है कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है। एंड फ्रॉम दैट डे ही स्टार्टेड इग्नोरिंग दैट लेडी और उसने उनसे बात करना बंद कर दिया एंड ही स्टार्टेड फोकसिंग ऑन हिज। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात थी और ये बात वो किसी से बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखेंगे कि ऐसे केसेस में जो अगर मेल के ऊपर ऐसा या अगर किसी बंदे के ऊपर ऐसा क्वेश्चन किया जाता है तो लोग उसको ही गलत समझते हैं। तो इसलिए वो ये बात किसी से कह नहीं पा रहा था, लेकिन ये बात उसने अपनी सिस्टर से शेयर किया और उसकी सिस्टर जो मेरी फ्रेंड है तो उन्होंने मुझसे शेयर किया। आप किसी भी पर्सन को अगर आप अपसेट देखते हैं या फिर आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई सामने वाला बंदा बैठ के रो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप उससे पूछेंगे कि वो बंदा परेशान क्यों है या फिर आप एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप उसको पूछते हैं ना कि भाई तू ठीक है कि नहीं है। जब से मुझे ये इंसिडेंट पता चला तब से मैं इस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या कैरेक्टर एसेसिनेशन जो है सिर्फ लड़कियों का होता है, क्या डिसरिस्पेक्ट सिर्फ लड़कियों की होती है? अगर कोई मेल, अगर कोई आदमी जो है वो प्योर इंटेंशन से आपके साथ पूरी डिग्निटी और पूरे जो है डिस्टेंस मेंटेन करके आपके साथ बिहेवियर रखता है, और आप उसके बारे में ऐसा गलत सोच के उसके बारे में अगर किसी भी अपने कलीग को अगर ऐसा कुछ रॉन्ग कन्वे करते हैं उसके इमेज के बारे में, तो क्या उसका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है? क्या उसकी रिस्पेक्ट नहीं है? और वो पूरे टाइम वो गिल्ट में रहेगा कि उसने क्या गलत कर दिया। एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट, अगर मान लीजिए वो फीमेल ने अगर गलती से ये बात स्प्रेड कर दी एंड उसके ऑफिस में ये बात फैल गई, एंड व्हाट इफ सम एक्शन इज़ टेकन ऑन हिम, तो आपको लगता है कि उसको प्रॉपर उसको इक्वल चांस मिलेंगे उसकी बात सुनने के लिए, या लोग उसकी बात पे बिलीव करेंगे? तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन, मैं खुद सोच में पड़ गया कि क्या एक्चुअली में जेंडर इक्वालिटी हर मैटर में होती है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतना ये पूछना किसी को अपसेट देख के कि इज शी ओके, क्या ये उसका इंटेंशन पे क्वेश्चन उठाना सही है? आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में बताइए। मुझे तो लगता है कि अगर मिसोजिनिस्ट होना गलत है तो मिसैंड्रिक होना भी गलत है। अगर आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं और अगर आप किसी के सही इंटेंशन को रहते हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी अगर आप अपसेट हैं और आपसे कोई आपका हालचाल पूछ रहा है उस कंडीशन में, तो आपको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, ना कि उसके इंटेंशन पे क्वेश्चन करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। यहाँ पे मैं दोनों जेंडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी में हमेशा जो है फीमेल्स को ऊपर रखा जाता है, और मेल जेंडर है उसको जो है ये टर्म जो है लागू नहीं होता, उसके लिए ये टर्म लागू नहीं होता। तो आज का जो टॉपिक है, मैंने इसलिए इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी समझा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मिसोजिनिस्ट होना गलत है तो मिसैंड्रिक होना भी गलत है, और जेंडर इक्वालिटी जो है वो दोनों मेल्स और फीमेल्स के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ फीमेल के लिए। सो आपके क्या थॉट्स हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में? अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक कुछ तो यूज़फुल था तो भी मुझे कमेंट में बताइए। सो आज का वीडियो बस इतना ही, यही था आज के वीडियो के बारे में, आज के टॉपिक के बारे में। हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पर मैं अपने व्यूज़ रखूँगा, कुछ सोशल इश्यूज़ के बारे में या कुछ भी इश्यूज़ के बारे में। सो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, आप भी मुझसे शेयर कर सकते हैं और हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो इतना ही आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।